दोस्तों रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा के और चार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भी इंक्लूडेड है अब इन दोनों स्टेट्स के जो इलेक्शन है वो तो लोकसभा के साथ होंगे पर इनकी काउंटिंग है वो प्रीपोन्ड कर दी गई है तो हम जानेंगे क्या कारण है इसके अलावा ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम कर रहा है कौन सी ये लोकसभा है कितने नए वोटर्स हैं इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्शन का चार स्टेटमेंट्स हैं जो आपको सही आंसर लगे कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा अब देखो मुद्दा कुछ ऐसा है कि सत्रवीं लोकसभा है ना जो करंटली चल रही है उसकी लास्ट मीटिंग या लास्ट डेट है वो होगी सोलह जून दो और 16 जून से पहले पहले ही हमारे पास में नई लोकसभा इलेक्ट होकर के आ जाए यह इलेक्शन ऑफ इंडिया को इंश्योर करना होता है इसलिए 19 अप्रैल से लेकर के और एक जून तक तो देखो वोट डाले जाएंगे और काउंटिंग होगी फिर आपकी फोर्थ जून को तो टोटल तो तो ये 82 डेज की एक्सरसाइज है अगर मोटी मोटी हम बात करें आप यहां पर ध्यान रखो कि टोटल सात फेजेज में यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं पहला फेज तो उन्नीस अप्रैल को है, है? तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इनकी काउंटिंग में जो प्रिपोर्ट किया गया है ये क्यों किया गया वो अभी आपको पता पड़ेगा अब देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप यहां पर देख सकते हो कि लागू हो चुका है जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर देता है ना कि इस टाइम पर ये ये डेट रहेगी चुनाव की तो उस टाइम पर आचार संहिता लग जाती है आचार संहिता का मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर्स और गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की, पार्टी की कंसेंसस के आधार पर फाइनलाइज्ड है कि हाँ जी ये कुछ नॉर्मल कंडीशंस रहेंगी जिनको हमें ध्यान रखते हुए इलेक्शंस के टाइम पे काम करना है अदरवाइज आपको ध्यान है कि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी मशीनरी होती है अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजोरिटी है एग्जिस्टिंग लोकसभा में वो फिर अपने हिसाब से कोई भी नई पॉलिसी नया प्रोग्राम लॉन्च करके और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है तो वो चीज एंश्योर करना जरूरी हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि कहीं पर बायसनेस तो नहीं है तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अप्लाई हो जाता है पर ध्यान रखें ये कोई लीगल बैकिंग के आधार पर नहीं है ये जस्ट गाइडलाइन है कोड है जो कि इलेक्शंस के टाइम पे फॉलो करने होते हैं अब देखो ये जो चुनाव है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कारण इस लोकसभा इलेक्शन में लगभग 97 करोड़ वोटर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं हैं और और इनमें से से जितने हमारे स्टेट्स है ना, से स्टेट्स ना उनमें उनमें 22 जो यूटीज आप देखोगे कि एक ही फेज में इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है या सिक्योरिटी कंसर्न है तो वहां पर देखो ज्यादा फेजेस में इलेक्शन हो सकते हैं जैसे कि यूपी बिहार वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन की वजह से वहीं जम्मू कश्मीर है तो यूटी और ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है बट वहां पर पांच फेजिज में इलेक्शन कराए जाएंगे वजह क्या है क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है आप देखोगे कि इस बार लगभग लगभग एक पॉइंट आठ दो करोड़ नए वोटर्स वोट डालने वाले हैं हो सकता आप भी हैं उनमें से ठीक है तो ये चीज़ें शो क्या करती है कि इंडिया वाकई में वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है।, तो है है ना पॉपुलेशन वाइज तो है ही है एक करोड़ की मानदाता है जनता है बट वोटर्स भी देखा जाए तो 98 97 नाइन्टी करोड़ कम नहीं होते अब देखो मेन जो है वो आ जाता है हमारे लिए जानना कि ये जो इलेक्शंस में लोकसभा के साथ में चार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के के इलेक्शंस इलेक्शंस आए बट अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के को हम कर रहे हैं एक तरीके से इलेक्शन तो साथ हो रहे हैं बट काउंटिंग को प्रीपोन्ड कर रहे हैं तो इसके पीछे हमें आर्टिकल वन क्लॉज वन को समझना पड़ेगा जिसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन सब में वो अपने पांच साल को कंप्लीट करेगी ठीक है तो यहाँ पर पांच साल कंप्लीट करने का जो सिस्टम है ना उसको हमें ये देखना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश और तो अकॉर्डिंग तो को अगर हम कंसिडर करें तो वो हुई थी तीन जून दो को अब तीन जून 2019 से लेकर के पांच साल कब कंप्लीट हो जाते हैं भाई दोनों की विधानसभाओं के वो आपके हो जाते हैं दो जून 2024 को पर अगर लोकसभा चुनाव के साथ में ही लोकसभा की वोटिंग के साथ वोटिंग काउंटिंग के साथ में ही अगर इन स्टेट्स के वोट भी काउंट किए जाए तब आप समझ जाओगे कि वो चार जून को होगी तब आप देख लो कि दो जून को तो डिजोल्व हो रही है विधानसभा और चार जून को वोट काउंटिंग हो रही है रिजल्ट आ रहा है तो दो दिन का लैप्स हुआ कि नहीं इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि असेंबली डिसॉल्व हो उससे पहले पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट आ जाना चाहिए इसलिए फिर बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये क्लैरिटी आई कि देखो जी इलेक्शन तो सब सही चलेंगे एक जून तक का जो प्रोसेस है वो एकदम कंटिन्यू रहेगा पर वहां पर दो स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो इलेक्शन काउंटिंग है वो हम दो तारीख को ही कंप्लीट कर देंगे इससे क्या होगा कि हमारे पास में रिजल्ट होगा और वहां पर विधानसभा हो तो विधान मतलब, से पहले पहले आपके पास में नया हाउस इलेक्टेड रहना चाहिए तब जाकर के एकदम प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेम चीज लोकसभा के लिए भी है आर्टिकल 83 थ्री क्लॉज टू उठाओ उसमें क्या लिखा हुआ है हाउस ऑफ पीपल दैट लोकसभा उसके लिए भी ये बोला हुआ है कि पांच साल के लिए आएंगे पहली मीटिंग से लेकर पांच साल तक इनका टेन्योर चलेगा जब भी फर्स्ट मीटिंग होगी उस डेट से ठीक है पर नई जो लोकसभा आएगी जैसे कि अभी हम बात करें तो अठारवी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं ये तो अठारहवीं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट कर देनी है कब 16 जून 2024 से पहले क्योंकि 16 जून को सत्रवीं लोकसभा का पांच साल कंप्लीट हो रहा है हाँ पर कुछ एक्सेप्शन है कुछ है, आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जैसे कि एमरजेंसी लगी हुई है तो वहाँ पर पार्लियामेंट के पास में हाथ में रहती है ये बात कि वो जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनका टेन्योर जो एक्सटेंड कर सकती हैं एक बार में एक साल के लिए पर ध्यान रखें जब भी इमरजेंसी हट जाती है तो उसके छह महीनों के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर पर ये मैंडेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो यहां पर सिक्किम और अरुणाचल के रिजल्ट्स को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इलेक्शंस के रिजल्ट है ना एग्जिस्टिंग विधानसभा के टेन्योर के अंदर अंदर ही क्लियर हो जाए है ना तो ऐसे में ये चीज़ इसी बात को ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनल की गई है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के चुनाव जो होंगे उनकी काउंटिंग का जो रिजल्ट है वो हम चार जून को ना देकर के उससे पहले ही दे देंगे तो ये चीज़ हमें समझनी थी इसके अलावा देखा जाए तो इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक मशीनरी अपने हिसाब से तैयार की जाती है जो कि एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स ही होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे होते हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट करके और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे या फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो उनको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ जी ये इंडिविजुअल पूरे स्टेट में इलेक्शन की पूरी मशीनरी को देखने वाला है फिर उनके अंडर में आते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरे इलेक्शन की मशीनरी को मैनेज करेंगे और उनके अंडर में फिर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर दैट मीन्स आर ओज हैं ए आर ओज हैं वो काम करेंगे फिर उसके बाद में बूथ लेवल की बात आ जाती है जहां पर हम वोट डाल के आते हैं उस बूथ को मॉनिटर करना उस पर प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना बूथ लेवल ऑफिसर का, का काम होता है और साथ ही साथ इनके सिक्योरिटी फोर्सेज भी काम करते हैं साथ ही साथ वोट डलवाने का वहाँ पर आप देख सकते हो क्या प्रोसेस होता है वोटर लिस्ट को में नाम अनाउंस होता है फिर आपकी उंगली के ऊपर मार्क किया जाता है कि हाँ जी वोटर वोट डालने के लिए आ गया है वो सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास में अदर गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है तो इस तरीके से पूरा इलेक्शन का सिस्टम है वो काम करता है तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्यों यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रिपोंड किया है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन की वोटिंग है उसकी काउंटिंग को एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई वायलेशन करता है तो वहां पर देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ से तो देखो कोई ऐसी गाइडलाइन है नहीं या ऐसी रूलिंग है नहीं कि पनिशमेंट का प्रोविजन है बट वहां पर अगर कोई भी गलत प्रैक्टिस होती हुई दिखाई दी जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है तब आप देखोगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन ओके नाइनटीन इसके अलावा आपके पास में आईपीसी और सीआरपीसी इनके कई सेक्शन हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करते हैं कि वो एक्शन ले अप्रोप्रिएट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट में अगर उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है तो तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उस चीज के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेडिकेटेडली काम भी करता रहता है ठीक है फिर आ जाता है आपका कल का क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन चारों पर्सनैलिटीज में से किसकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी इन डेज के तौर पे ऑब्जर्व की जाती है तो आंसर था राजीव गांधी जी तो वैसे देखा जाए तो इसका आंसर बहुतों ने सही दे दिया था ठीक है तो इस वीडियो को यही हॉल्ट करते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच